फाइनली दोस्तों हिंडाल्को कंपनी के भी क्वार्टर टू के नतीजे आ चुके हैं। दोस्तों हम इस वीडियो में इसके कॉन्सोलिडेट नंबर देखने वाले हैं और जो नंबर्स लिखे हुए हैं वो इन करोड़ में हैं। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे कि एक्सपेक्टेशन को फुलफिल किया है या नहीं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं इसकी टोटल इनकम की, तो आप देख सकते हैं 48,063 करोड़ की हुई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 41,625 करोड़ थी, यानी कि क्वार्टर के हिसाब से अच्छी जंप देखने को मिल रही है। वही 31,528 करोड़ हुई थी सेप्टेम्बर 2020 में और अब जो हुई है 48,000। तो दोस्तों बेहद ही शानदार तरीके से क्वार्टर और ईयर के हिसाब से नंबर देखने को मिल रहे हैं टोटल इनकम। वहीं इनके खर्चे हैं 43,041 करोड़ के, जो कि पिछले बार 37,000 करोड़ से ज़्यादा के थे। तो दोस्तों यहाँ खर्चे भी बढ़े हैं और आप देख सकते हैं 29,000 से 43,000 करोड़ के आसपास के खर्चे आए हैं, यानी कि खर्चे ईयर और क्वार्टर दोनों के हिसाब से बड़े हैं। वहीं इनका जो मेन फाइनल प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं 3,417 करोड़ का हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 2,787 करोड़ था, यानी कि क्वार्टर के हिसाब से अच्छी जंप देखने को मिल रही है। वहीं आप देख सकते हैं 387 करोड़ से 3,417 करोड़ पर आया है, यानी कि बेहद ही शानदार तरीके की बढ़त हमको देखने को मिल रही है इसके नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। वहीं अगर ईपीएस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं 15.36 हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 12.53 था, यानी कि क्वार्टर के हिसाब से यहाँ बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं आप देख सकते हैं 1.74 था सेप्टेम्बर 2020 में और अब जो हुआ है 15.36, यानी कि ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बेहद ही शानदार तरीके के नंबर देखने को मिल रहे हैं। नेट प्रॉफिट और ईपीएस दोनों ही बहुत शानदार तरीके से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आप देख सकते हैं इनके जो कॉन्सोलिडेट एबिटा है वो ऑल टाइम हाई पर है, अब 56% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़ा है और 19% क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से। इसी तरीके से इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 783% क्वार्टर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़ा है और 23% क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से बढ़ा है। दोस्तों फाइनली क्या एक्सपेक्टेशन को फुलफिल किया है, तो आप देख सकते हैं 13.05 का अनुमान था ईपीएस का, रहा है 15.41, यानी कि 18% से भी ज़्यादा की बढ़त एक्सपेक्टेशन से देखने को मिल रही है। इसके अलावा जो इसका रेवेन्यू में अनुमान था वो 15,51 हज़ार करोड़ का था और जो आया है वो 48,06 हज़ार करोड़ के आसपास। तो दोस्तों अपनी एक्सपेक्टेशन से जो इसने रेवेन्यू दर्ज किया है वो 209% से भी ज़्यादा है, यानी कि तकरीबन 210%। दोस्तों नतीजे आने के बाद आप देख सकते हैं इस शेयर के प्राइस में हमको अच्छा मूव देखने को मिला है और आगे चांस यही लग रहे हैं कि इसमें और भी मूव कंटिन्यू रह सकता है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए।